हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। तो पांच तरह के नोटेशन होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सबसे पहला बिग ओ, ओमेगा, थीटा स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा। और ये गेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, राइट। तो कैसे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने का एक सीक्वेंस ऑर्डर है। मैं जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वीडियोज़ को अपलोड करूँगा उसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा और हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन्स क्या हैं कि जैसे सबसे पहला जो कन्फ्यूजन या एक तरीके से मिसकॉन्सेप्शन इसके बारे में ये है कि बिग ओ का मतलब होता है वर्स्ट केस ऑफ मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, थीटा का मतलब होता है एवरेज केस और ओमेगा का मतलब होता है बेस्ट केस। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ओके। तो अभी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कन्फ्यूजन्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ बिग ओ ओमेगा थीटा सब एक ही है, बट ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोटेशन, क्यों ये यूज़ होता है, बिग ओ का क्या एप्लीकेशन है, उसको एल्गोरिथम में कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, वो यहाँ लिखी हुई है। बिग ओ को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर देगा, कहीं कहीं लिखा हुआ कैपिटल ओ तो इसका मतलब वो क्या है, बिग ओ। तो यहाँ के एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, यहाँ दो फंक्शन यूज़ किए गए, एक है एफ ऑफ एन दूसरा है जी ऑफ एन, और फंक्शन यहाँ दोनों पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन नहीं होंगे। एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ये कब आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन या एफ एन इज बिलोंग्स टू जी ऑफ एन, ओके। किसी भी तरह से इसको लिखा जा सकता है। फॉर सम वैल्यू ऑफ सी, यहाँ क्या लिखा, फॉर सम वैल्यू ऑफ सी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन सी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, एंड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि सी क्या है और एन नॉट क्या है। एन बेसिकली क्या है, साइज ऑफ इनपुट। जैसे जैसे हम क्या करते हैं एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि क्या आती है कि साइज इनपुट साइज के टर्म में ही एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो उसका क्या रिलेशन है एसिम्प्टोटिक नोटेशन से, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बिग ओ। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर सपोज दैट आपको एफ ऑफ एन दिया है, एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एंड जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू 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 द पावर एन। फिर ये इस ग्राफ को भी समझेंगे, एन नॉट क्या है एग्जैक्टली, सी क्या है, इसी में कन्फ्यूजन होता है कि सी किस तरीके से हम जो है फाइंड आउट करेंगे, एन नॉट क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम क्लियर करते हैं, ओके। अगर एन की वैल्यू हमने वन सब्सिट्यूट की, साइज ऑफ इनपुट दैट मीन्स, अगर साइज का मतलब कि अगर एक एरे अज्यूम करें उसमें वन एलिमेंट है तो वो क्या है, साइज ऑफ इनपुट विच इज इक्वल्स टू वन। एन अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को देंगे एन इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। तो n की वैल्यू जब सब्सिट्यूट किया तो ये फंक्शन जो है वैल्यूज दे दी, यानी n स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, टू टू द पावर n की वैल्यू ये आ रही है, n टू द n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल, इसके आगे भी है बढ़ाते जाएंगे, बट इतनी वैल्यूज को हम देख के इस पे हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं कि क्या है एग्जैक्टली n नॉट। हमें समझना है कि n नॉट क्या है, यहाँ दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि c क्या होता है और n नॉट क्या होता है, और c के साथ एसोसिएटेड जो टर्म है वो क्या है, सम वैल्यू ऑफ c, इसके साथ क्या, ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन n नॉट, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अगर इन फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, यहाँ इक्वल आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर 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 एंड ग्रेटर एंड सो ऑन, इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, कैसे भी हम देखते हैं अभी। वैसे भी अगर एन की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ये भी बड़ी होगी, बट अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ये फंक्शन ग्रेटर होगा, ये लेसर होगा। अब एग्जैक्टली एन नॉट क्या, इस फंक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एन की वैल्यू जब वन थी तो ये फंक्शन, यानी उस पर्टिकुलर इनपुट साइज पे ये फंक्शन बड़ा आ रहा था, देन इक्वल आ रहा है, देन ये ग्रेटर हो रहा है, फिर इक्वल आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद n की वैल्यू अगर 4 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद देखें तो ये वाला जो g ऑफ n है ये फंक्शन ग्रेटर या इक्वल आ रही है, n की वैल्यू जब 4 है तो ये इक्वल दे रहा है वैल्यू, उसके बाद क्या आ रही है, ये सारी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, मतलब n नॉट वो इनपुट साइज है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो n नॉट क्या है, 4 जब n की वैल्यू 4 हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ओ एफ ऑफ एन जो है वो आपका लेसर है एज कम्पेयर टू सी डॉट जी एन, ओके। तो इसका मतलब एन नॉट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, एन नॉट क्या हो जाएगा, 4, ओके। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, अभी इस पे बात पे आते हैं, पहले आप सी समझते हैं कि सी क्या है एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करनी, एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन। तो सी की कोई एक वैल्यू, सम का मतलब ये होता है, कोई एक वैल्यू पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हम ये कहेंगे ओ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है।
तो यहाँ सी की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर सी की वैल्यू वन भी सब्सिट्यूट कर देंगे, अगर सी की वैल्यू सपोज दैट वन सब्सिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, सी इंटू यानी वन इंटू टू पावर एन विच इज इक्वल्स टू पावर एन, तो सारी वैल्यूज यही आएगी। तो सी की वैल्यू वन और एन नॉट की वैल्यू फोर पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब एन की कोई भी वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू जैसे यहाँ की एन नॉट क्या फोर, इसके बाद यानी फॉर ऑल का मतलब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एन की कोई भी वैल्यू है, ये क्या हो रहा है आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सी की वैल्यू वन रखे और एन नॉट क्या फोर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सी की वैल्यू टू रखी, राइट, अगर सी की वैल्यू हम टू रख रहे हैं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सी की वैल्यू थ्री रख रहे हैं तो भी ये सेटिस्फाई। लेकिन हमें क्या है, सारे पॉसिबल वैल्यू सी नहीं चेक करना है, सिर्फ अगर एक वैल्यू सी की मिल गई तो हम कंक्लूड कर दें एक वैल्यू सी की मिले, और साथ ही साथ कहाँ एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन जो हो रहा है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, एन नॉट क्या निकालें फोर, तो फोर या फोर से बड़ी वैल्यू फॉर ऑल एन। फॉर ऑल एन का मतलब क्या है, फॉर ऑल एन, एन की वैल्यू क्या हम थ्री भी रख सकते हैं, नहीं थ्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर थ्री रखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ फंक्शन ग्रेटर लेसर, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, या तो ग्रेटर हो रही कभी लेसर, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। मीन्स यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हम इस फंक्शन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, कभी कोई फंक्शन बड़ा हो रहा है कभी कोई छोटा हो रहा है। देखो ये वाला बड़ा था फिर इक्वल हो गया फिर ये ग्रेटर हो गया, तो हमें क्या करना, एक ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट को हमने फाइंड आउट किया, अब इस पॉइंट पे एन की कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट करें, तो इसलिए ये लिखा हुआ फॉर ऑल एन, एन क्या एन ये इनपुट साइज, इनपुट साइज कहाँ से स्टार्ट होगी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, वो क्या आपका फोर, फोर या उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज है उसको अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ओके, और क्या होता है बिगो, बिगो जो होता है वो अपर बाउंड है, वो कैसे होता है अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स है और सॉल्व करते हैं। ये इस एग्जाम्पल से आई थिंक सी और एन नॉट के लिए, बट अपकमिंग अभी हम वीडियोज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये एक एग्जाम्पल में पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितनी वैरायटी हम लोग जो है क्वेश्चन की वैरायटी को देखेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, यहाँ एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस टू जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू एन है, क्या सेटिस्फाई करना है, क्या एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन है, चेक करते हैं। एन की वैल्यूज हमने ऑलरेडी इसको सब्सिट्यूट करके कैलकुलेट कर लिया, बस हमें क्या करना है फंक्शंस की वैल्यूज को कंपेयर करना है। अगर इसको कंपेयर करेंगे ये आ रहा है ग्रेटर, ये भी आ रहा है ग्रेटर, ये भी क्या आएगा आपका ग्रेटर, एंड सो ऑन, सारी ग्रेटर वैल्यूज आ रही है। ऑब्वियस बात ये थ्री एन प्लस टू और एन, अगर इसको हम मैथमेटिकली कंपेयर करें, किस तरीके से फंक्शन को मैथमेटिकली कंपेयर करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, बट हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एसिम्प्टोटिकली जो है फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है एसिम्प्टोटिकली फंक्शन को कंपेयर करना, वो अभी हम समझते हैं इसको। तो 3n प्लस 2 और क्या है ये देखो, यहाँ आपका क्या इक्वेशन क्या है, 3n प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट एन। ओके, तो क्या ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर हम c की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आपका c की वैल्यू 1 है, तो क्या हो रहा है ये आपका फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। c की वैल्यू 2 अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 6 हो गया, फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो C की क्या किसी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है देखते हैं। अगर C की वैल्यू हम 5 सब्सिट्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल, कैसे C की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस तरह के इक्वेशन में, अभी वो हमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने क्या किया यहाँ 5 सब्सिट्यूट कर दिया, राइट, अगर सब में 5 सब्सिट्यूट किया तो ये क्या होगा 5n फंक्शन हो जाएगा, यानी ये जी ऑफ एन जो एन था वो अब क्या हो जाएगा फंक्शन 5n, क्योंकि C की वैल्यू हमने क्या किया 5 सब्सिट्यूट कर दिया, 5 एंड 5 एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये क्या हो जाएगा 10, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन, राइट। तो अब देखो ये क्या है 5 है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये ग्रेटर हो गया, फिर ये क्या हो रहा है 11 है इधर 15 है ये ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब अब जितनी भी वैल्यूज़ को हम देखेंगे कंपेयर करते जाएंगे ठीक है एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा ये वाला फंक्शन ग्रेटर आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट से सी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है सी। ओके, तो मतलब ये है ये इक्वेशन दैट मीन्स एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन कब होगा, जब c की वैल्यू क्या होगी 5। ओके, और n नॉट का क्या होगा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ से इक्वल आ रहा है, यानी n नॉट इस फंक्शन को देखें तो क्या है n नॉट 1 से स्टार्ट हो गया, यानी 1 के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओ ये वाला फंक्शन ग्रेटर हो रहा है। तो c की वैल्यू 5 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, n नॉट क्या आपका सॉरी 1 है। ओके, तो n की वैल्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू 5 पर क्या हो रहा है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं 3n प्लस 2 विच इज इक्वल टू बिगो ऑफ n। तो अब c की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये कि जो भी आपका फंक्शन गिवन रहेगा उसमें क्या करेंगे डोमिनेटिंग फैक्टर देखेंगे, डोमिनेट होंगे जो भी आपका अगर पॉलीनोमियल दिया तो n की मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है वो आपका 1 है। ओके,
तो 3n डोमिनेटिंग फैक्टर है तो सबको क्या करेंगे n के टर्म में लिखेंगे, ये आपका 3n है, ये क्या हो जाएगा 2n, इसको भी कांस्टेंट है इसको भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3n plus 2n which is equals to 5n, तो 5n में जो ये आपका कांस्टेंट आएगा वही c की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ एक डाउट आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, समझना कि डाउट क्या एग्जैक्टली। ऐसे तो कोई भी इक्वेशन दी रहा है यानी f ऑफ n दिया रहा है और g ऑफ n दिया रहा है, हम तो c की वैल्यू सब्सिट्यूट करके और हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ c अपनी तरफ से रखना और c की किसी एक वैल्यू पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ 5 था, 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ आपका 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, c की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, बट c की अगर एक वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कंक्लूड करेंगे f ऑफ n विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ g ऑफ n। डाउट क्या था, ऐसे तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो अब इस प्रॉब्लम समझते हैं। जो भी डाउट था, डाउट क्या था कि कोई भी फंक्शन दिया f ऑफ n और कोई भी फंक्शन दिया g ऑफ n, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ n विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ g n, बट नहीं है। ओके, कैसे नहीं है, इस इक्वेशन समझते हैं। इस फंक्शन से फंक्शन क्या है, f ऑफ n n स्क्वायर है, g ऑफ n क्या है आपका n है, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या है आपका n स्क्वायर, n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू c डॉट n, तो यहाँ c की कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट करके इसको बड़ा कर लेंगे और कह देंगे कि हाँ इस c की पर्टिकुलर वैल्यू पे और n इज ग्रेटर देन n नॉट पे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि f ऑफ n विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ g ऑफ n। बट एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी ये समझना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये ग्रेटर है, तो ऑब्वियस बात है फंक्शन देखने से लग रहा है ये सारी वैल्यूज ग्रेटर आ रही है, तो यहाँ ये कह सकते हैं f ऑफ n विच इज f ऑफ n इज ग्रेटर देन g ऑफ n, बट हमें प्रूफ क्या करना है, f ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू c ऑफ n, तब जाके c इंटू n तब होगा ये बिग ओ सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ c की कोई एक वैल्यू लेके इस फंक्शन को ग्रेटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर c की वैल्यू सपोज हमने ले ली 3, ओके, तो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वल्स टू 9 12, ओके, अब एंड सो ऑन, अभी देखते हैं। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये फंक्शन क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया, n की वैल्यू 1 पे ये ग्रेटर मिल रहा, n की वैल्यू 2 पे ये ग्रेटर मिल रहा, ओ n की वैल्यू 3 पे ये इक्वल मिल गया, अब n की वैल्यू 4 पे ये ग्रेटर मिल रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने c की वैल्यू जो 3 ली है वो कम ली, c की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो देखो c की वैल्यू 3 ली है तो एक टाइम तक ये फंक्शन ग्रेटर रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर n की वैल्यू के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लेसर, ये हो जाएगा ग्रेटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों फंक्शन को अगर देखें तो ये ग्रेटर है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू तक ये सेम आ रहा है, यानी ये वाला फंक्शन ग्रेटर आ रहा है और ये लेसर आ रहा है, बट जैसे ही n की वैल्यू 4 है, ओ ये 16 आ रहा है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है आपका 15, तो यहाँ तो 16 आ रहा है, यहाँ के n इक्वल टू 3 पे ये 9 है और ये आपका 3 नहीं है, इससे इसको कंपेयर करना, ओके, यहाँ 16 है और यहाँ क्या 12 है, तो ये ग्रेटर हो गया, और उसके बाद अब क्या होगा, ये वैल्यू ग्रेटर ही आएगी क्योंकि c की वैल्यू तो फिक्स, एक बार जब हमने c की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये हो सकता है c की वैल्यू और हम बड़ी कर सकते हैं, तो c की वैल्यू क्या ले लें 4, तो अगर 4 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा 20 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा, फिर चेक करते हैं तो अच्छा ये ग्रेटर, ये लेसर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है, c की वैल्यू 4 पे चेक कर रहे हैं, यानी अब फंक्शन क्या हो गया आपका 4n हो चुका है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 8 है, ये ग्रेटर है, ये वैल्यू 9 है और ये क्या 12, अभी भी ये ग्रेटर है, ये वैल्यू 16 है, ये वैल्यू 16 है, बराबर आ गया, अब ये वैल्यू 20, ये वैल्यू 25, ओ मतलब ये है कि c क्या आपका कांस्टेंट को हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट किया, तो एक टाइम तक ये वाला फंक्शन ग्रेटर आएगा, बट एक टाइम का मतलब ये है कि n की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये वाला फंक्शन जो है ग्रेटर शो करेगा, बट एक n की वैल्यू के एक पॉइंट के बाद जो है ये वाला फंक्शन ग्रेटर जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटर फंक्शन है, मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें n स्क्वायर और n को, तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करते हैं, कौन सा फंक्शन ग्रेटर है, अगर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये आपका n इंटू n लिख सकते हैं, ये n, कैसे इसको कंपेयर करते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दी, ये आपका n आ रहा है और ये क्या आ रहा है 1, इधर क्या बच रहा है फंक्शन और इधर क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब ये हुआ अगर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक तरफ फंक्शन आपको n मिल रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टेंट मिल रहा है, अगर इसको कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दें c इंटू n, तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, अगर ये फंक्शन आपका ग्रेटर आ गया तो ये ग्रेटर होगा, ये अगर लेसर है तो ये लेसर यहाँ आएगा, ओके, तो ये n मिल रहा और इधर क्या मिला एक कांस्टेंट, अगर आपने c की वैल्यू फिक्स कर दी, फॉर एग्जांपल c की वैल्यू हमने रख दी 100, c की वैल्यू 100 रख रहे हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, c की वैल्यू अगर हमने 100 फिक्स कर दी तो ये जब n की वैल्यू 100 तक रहेगा तब तक ये आपका फंक्शन जो वो ग्रेटर देगा, लेकिन जैसे n की वैल्यू 101 करेंगे तो ये फंक्शन ग्रेटर रहेगा क्योंकि c फिक्स हो चुका है, ऐसे ही c की वैल्यू 1000 करेंगे तो n की वैल्यू 1000 पर ये वाला फंक्शन जो है g ऑफ n है वो आपको ग्रेटर शो करेगा,
लेकिन 1001 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। तो मतलब ये कि अगर सिंपली कब ये चीज़ देखो, एफ ऑफ एन अगर एन स्क्वायर है, जी ऑफ एन एन है, तो दोनों को अगर हमने कंपेयर किया कि ये क्या है आपका, ये ग्रेटर है, तो कभी ये एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी ऑफ एन नहीं हो सकता। चाहे आप सी की वैल्यू 1000 कर दो, 1 लाख या उससे आगे कुछ भी, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये वाला फंक्शन ग्रेटर आ जाएगा, राइट। तो सी की कोई सिंगल वैल्यू पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मतलब जो कहने का मतलब ये था, जो कंक्लूजन पॉइंट ये था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एन जी ऑफ एन, तो हर एक फंक्शन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हमें केयरफुली चेक करना होगा कि ओ ये वाला फंक्शन ग्रेटर होना चाहिए, ये लेसर होना चाहिए। ओके, तो ये था बिग ओ नोटेशन के बारे में।